हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ करवा चौथ की स्पेशल मठरी की रेसिपी। हमारे यहाँ करवा चौथ में इसी तरह की स्पेशल मठरी बनाई जाती है जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही खस्ता होती है, और आप इसे एक बार बनाकर महीनों भर स्टोर भी कर सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे फीकी मठरी और मीठी मठरी। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी और लेयर वाली ये मठरी बनकर तैयार हुई है और बहुत खस्ता भी है। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप मैदा। अगर आप मेजरमेंट करें तो ये 200 से 250 ग्राम तक मैदा है। इसको मैंने एक बड़े बाउल में निकाल लिया है जिसमें हम इसका आटा गूंद कर या आटा लगा कर तैयार करेंगे। तो इसका आटा गूंदने के लिए पहले इसमें मैंने डाला है 1 चुटकी नमक। हम सिर्फ इसमें 1 चुटकी ही नमक डालेंगे, हमें सिर्फ फीका आटा ही गूंदना है। और इसके बाद मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे 1/4 कप घी। यहाँ मैंने देसी घी का यूज़ किया है। 1/4 कप देसी घी इसमें डाल के हम अच्छे से इसे मोइन लगाएंगे। तो हमें घी को आटे में अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि आटा बिल्कुल कंबल ना हो जाए या इसकी मुट्ठी बनकर तैयार ना होने लगे। इस प्रोसेस में हमें 3-4 मिनट लग जाएंगे। इसे अच्छे से मसलना है और इसके बाद नॉर्मल पानी से इसे गूंदेंगे। तो हमने इसमें पानी का यूज़ बहुत ही कम करना है और इसका बिल्कुल टाइट डो बनाकर तैयार करना है। डो एकदम टाइट होना चाहिए। हमारा डो जितना टाइट होगा, सख्त होगा, उतने ही हमारे मठरी क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। तो हमें बहुत ही कम पानी का यूज़ इसमें करना है और इसके बाद इसे 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। तब तक हम अपनी चाशनी बनाकर तैयार करते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने एक पैन में लिया है यहाँ पर 1.5 कप चीनी और इसमें मिलाएंगे 1/2 कप पानी और इसे मिक्स करके अच्छे से उबलने देंगे। तो हमें यहाँ पर एक तार की चाशनी बनानी है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा सीरम बनाना है एक तार की चाशनी, इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। और अब इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर। आप चाहें तो इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं, फूड कलर, या फिर केसर की पत्तियां भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ इलायची पाउडर इसमें डाला है और अब इसे उबलने देंगे। तो यहाँ जब तक हमारी चाशनी बनकर तैयार हो रही है, हमने एक तरफ कढ़ाई में रखा है देसी घी गर्म होने के लिए, जिसमें हमने अपनी मठरियाँ बनाकर तैयार करनी है। अब हम आटे को एक बार घी लगा के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने मठरी का साइज़ नॉर्मल साइज़ से थोड़ा बड़ा रखना है, क्योंकि ये वाली मठरी थोड़े बड़े साइज़ की होती हैं, इसलिए हमने बड़ी बड़ी लोइयाँ बनाकर तैयार करनी है और इन्हें पूड़ी की जितना ही बेलना है। हमें बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है और बहुत ज़्यादा पतला पापड़ की तरह भी नहीं बेलना है, पूड़ी की जितना हमने इसे मोटा बेलना है। और अब इसमें छोटे छोटे छेद कर देंगे जिससे हमारे ये ऑयल में पूड़ी की तरह फूले ना। तो हम किसी भी नाइफ या फॉक की हेल्प से इसमें छोटे छोटे छेद कर देंगे दोनों साइड से, जिससे ये फूले ना और क्रिस्पी हो जाए। तो इसी तरह से हम अपनी सारी मठरियाँ बेलकर तैयार कर लेंगे। वीडियो को आप पूरा देखिए, एंड तक देखिए और सारे टिप्स फॉलो कीजिए, तभी आप बिल्कुल खस्ता क्रिस्पी मठरी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारे अपनी मठरी बेलकर तैयार कर लेंगे और उसमें छेद कर लेंगे दोनों साइड से, जिससे कि वो फूले ना। और यहाँ जो मैंने ऑयल रखा था, घी रखा था, घी हमें ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, हमें सिर्फ घी को मेल्ट करना है और अपनी मठरियाँ इसमें डालनी है। घी बिल्कुल भी ज़्यादा गर्म, ओवर गर्म नहीं करना है, इसे मीडियम फ्लेम पर ही हमें पकाना है। इसे पकने में 5 से 7 मिनट लग जाएंगे, लेकिन हमें बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर ही धीरे धीरे करके ही इसे पकाना है। और इसे डालने के बाद 3-4 मिनट तक इसे पलटना नहीं है। जब ये अपने आप पूड़ी की तरह ऊपर आ जाएगा तभी हमें इसे पलटना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये अपने आप ही फूल के ऊपर आ गई है मठरी हमारी। तो अब हम इसे पलटेंगे और दूसरी मठरी इसमें ऐड करेंगे। तो इस तरह 2-3 मठरी इकट्ठी डालने से इसका घी का टेम्परेचर लो हो जाता है और ये बिल्कुल लो फ्लेम पर पकती है। तो हम इस तरह से इसके टेम्परेचर को लो करने के लिए ये ट्रिक कर सकते हैं कि हमें 3-4 मठरी इकट्ठी ही सेकनी पड़ेंगी। तो इस तरह से हम अपनी सारी मठरी भी बेलकर तैयार करते जा रहे हैं, साथ में ही उसे पिक करते जा रहे हैं। तो ये आप देखिए, इकट्ठी मठरी डालने से
इसका टेम्परेचर हमारा ऑयल का बहुत ही कम हो जाता है और ये धीरे धीरे सिकती हैं, और जितनी धीरे धीरे ये सिकती हैं उतनी ही ये क्रिस्पी बनकर तैयार होती हैं। तो इसको खस्ता और क्रिस्पी बनाने का ये ट्रिक ज़रूर फॉलो करें। तो ये देखिए हमारी खस्ता और क्रिस्पी फीकी मठरी बनकर तैयार हैं। तो आपको अगर फीकी मठरी पसंद है तो आप इन मठरियों को इसी तरह से ही खा सकते हैं और स्टोर करके रख सकते हैं। और अब हम बनाएंगे मीठी मठरी। तो मीठी मठरी बनाने के लिए यहाँ हमारी चाशनी बनकर तैयार है। यहाँ हमने एक तार की चाशनी बनाकर तैयार की है और अब हम गर्मा गर्म मठरियों को इसमें डिप करते जाएंगे। तो यहाँ हम चाशनी को चेक करने के लिए हाथ में एक तार बनाकर तैयार देखेंगे, चेक करेंगे इसमें एक तार आ रही है या फिर बहुत ज़्यादा गाढ़ा सिरप बनकर तैयार है तो हमारी चाशनी तैयार है। हमें बहुत ज़्यादा इसे गाढ़ा नहीं करना है। अब हम अपनी गर्मा गर्म मठरियों को इसमें एक एक करके डिप करते जाएंगे और दोनों तरफ से चाशनी लगाते जाएंगे। और अब किसी प्लेट में एक जाली या स्टैंड लगाकर इन्हें निकालते जाएंगे, जिससे इसमें जो एक्स्ट्रा चाशनी होगी वो नीचे निकल जाएगी इसमें। और अब इन मठरियों को डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ मेलन सीड लिए हैं, खरबूजे के बीज लिए हैं। तो आप कोई भी ड्राई फ्रूट, पिस्ता या मेलन सीड किसी भी चीज़ से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। और ये गरम गरम चाशनी में ही इसके ऊपर लगाएं, जिससे कि ये आसानी से चिपक जाएं और इन्हें और भी टेस्टी और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर रोज़ पेटल का यूज़ किया है। तो यहाँ पर मेरे पास ड्राई रोज़ पेटल हैं, गुलाब की पंखड़ियाँ हैं, उनको भी इसके ऊपर अच्छे से लगा देंगे, चिपका देंगे। तो ये देखिए हमारी मठरियाँ बनकर तैयार हैं। हम इन्हें करवा चौथ, दिवाली, किसी भी फेस्टिव में बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अब मैंने इन्हें लगाया है एक टोकरी में, डेकोरेट किया है, जिससे कि हम किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि हम सर्गी देते हैं तो हम इस तरह से इन्हें गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो इस करवा चौथ मेरी बनाई रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और आप भी घर में ही मठरी बनाकर तैयार करें। आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और बहुत ही आसानी से मैंने इसे सिखाया है। तो आप रेसिपी को, वीडियो को पूरा देखिए और पूरे टिप्स फॉलो कीजिए, तो आप भी घर पर बैठे ही आसानी से ये टेस्टी और क्रिस्पी मठरी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपके यहाँ किस तरह की मठरियाँ बनाई जाती हैं करवा चौथ पे। और आगे भी त्यौहारों के इसी तरह की मठरी और मिठाइयाँ सीखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें, मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।